मुझे भी आज ही गाड़ी लेकर निकलना था जब बरेली के सारे कवरिया सड़कों पर है। रिया निधि, ड्राइविंग सीखने के बाद प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। अच्छा धीरे धीरे चला अब, तू ना डरती बहुत है। और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर ना इतना चहचह नहीं करना चाहिए। बरेली कैंट एरिया में स्लो चलाना। मुझे सही में मजा नहीं आ रहा है कि मैं कार चला रही हूँ और हम अकेले शहर पर निकले हैं। अरे डर लग रहा है मुझे। निधि तूने किसी को बताया तो नहीं है ना कि मैं इस चर्च में आती हूँ? मैं पागल दिखती हूँ तुझे? घर में तंगे फंसा थोड़ी ना करवाना ये सब बोलकर। अरे देख देख प्रियंका चोपड़ा का स्कूल। तो हम क्या प्रियंका चोपड़ा से कम है? अनमोल ये मेरे पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए है, अपनी खूबसूरती निहारने के लिए नहीं है। अनमोल रतन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है मेरी माँ कम से कम सामने देखे तो। अनमोल ये क्या किया तूने? गाड़ी उल्टी लेन में घुसा दी है। नहीं खेल पाऊंगा, वो ऑफिस के काम से मुरादाबाद जा रहा हूँ। यार निखिल आना यार, वो बहुत बिजी है। बढ़िया यार, वो बच्चों को बेगम वाली ट्रिक तो दिखा दे यार अपनी। फिर कभी यार। चल 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 आज नहीं यार, अर्जेंट है। अरे पता है यार, आ जा यार, आ जा। कम ऑन यार, यार इतना टाइम हो गया यार, आ जा यार। चलो ओके। पानी ले जाओ, पानी पानी दो, पानी दो।
हो? पता नहीं क्या। अनमोल, अनमोल तू ठीक है ना? उठ अनमोल, तू ठीक है? ओ मैडम, तो जाना कैंसिल कर दिया। ओ हेलो रेसर, आंखों में पट्टी बांध के गाड़ी चला रही है क्या? अरे इतनी शराफत से क्या बात कर रहे हैं इससे? इससे तो ये पूछ कि इसे दिखता भी है ठीक से या नहीं। अरे कोई तरीका है लड़की से बात करने का? अच्छा इसे तरीका है कार ड्राइव करने का? आज खुद तो मरते हमें मरवा दी। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। अच्छा तुझे कैसे पता? अगर ब्रेक काम कर रहा होता तो वहां पे ब्रेक मार लेती ना, ऐसे अपनी जान जोखिम में डाल के दीवार में थोड़ी बढ़ाती। ये कॉर्नर पे आपको एक मैकेनिक मिल जाएगा। निखिल, ये पार्टी सुबह सुबह कहाँ जा रही है भाई? ऑफिस के काम से मुरादाबाद जा रहा हूँ चाचा। चलो एक फटाफट मस्त चाय देना, मेरी वाली स्पेशल। हाँ अभी देते हैं। और ठंडू, लगता है पार्टी किचड़ में लौट के आई है। ये सुबह सुबह क्या कर बैठे निखिल? क्या है जब कपड़े मैले होना तबीयत ढीली लगती है? अब बताओ इस हालत में ऑफिस कैसे जाओगे? चाचा ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, वरना पैसे कट जाएंगे। क्यों, सैलरी पे हो कि दिहाड़ी पे? चाचा वो क्या है कि अभी मेरी नौकरी नहीं है, इंटर्नशिप है। अच्छा अच्छा, ये लो चाय लो। दोनों मर जाते आज। वो तो भला उस लड़की का जो बीच में आ गया और बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ यार, कैसे उसने हीरो की तरह अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया। भैया एक सेकंड, रिक्शा रुको। क्यों, क्या हुआ, क्यों रुक रही रिक्शा? मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला। तू पागल है, कहाँ जाएगी अब? घर पर ताऊजी पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। यार यार, बस थोड़ी सी देर लगेगी। नहीं नहीं अनमोल, क्या सोचेगा वो कि लड़की में मैनर्स ही नहीं है, एक थैंक यू भी नहीं बोला। अनमोल आप रिक्शा रुको, तो अनमोल आप रिक्शा रुको भैया, यही रुको अनमोल, आप रिक्शा रुको, रुके मेरी बात सुनो अनमोल। ये तो बता तू जा, मैं आई जा, कहाँ रही है पता कर, जा उसे थैंक यू बोल कर आती हूँ, बाय। चलता हूँ चाचा, मुरादाबाद के लिए लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मिलता हूँ फिर। ठीक है ठीक है। अरे पार्टी, इधर इधर इधर। क्या चाचा? ये तुम्हारे शर्ट पर लिपस्टिक का दाग कहाँ से? अरे अब खुल के बताओ पार्टी, गुलशन में कौन सा गुल खिला के आ रहे हो? मुरादाबाद जाना कैंसिल, पैसे पक्का कटेंगे और भौजी को क्या बोलूंगा पता नहीं। क्यों पार्टी, ये अफसाना मोहब्बत का है या मोहब्बत में अफसाना है? अरे चाचा यूं समझ लो कि नेकी की और कुएं में कूदा, पहले तो ये लिपस्टिक का निशान मिटाना पड़ेगा। चाचा मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे पार्टी संभाल के, कोई देख ना ले। भैया एक मिनट रिक्शा रुकिए। अंकल अंकल एक मिनट, यहाँ जो लड़के फुटबॉल खेल रहे थे वो कहाँ गए? मैं जो मुनीम बैठा हुआ हूँ, कौन कहाँ खेल रहा था मैं जो हिसाब रखूंगा, जाइए यहाँ से, और भी बहुत काम है मेरे पे। यही तो खेल रहे थे सारे। मम्मा है, निकल जाती हूँ। नीलम, ये रहे कलावे,
पिछले एक महीने से गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब एक काम कर, हम ना लिस्ट पूरी कर लेते हैं, तू पढ़ती जा और मैं देखती जाती हूँ। हाँ भाभी। ताई जी भी आ गई, अब ये लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? कहना तो नहीं चाहती पर प्रवेश के लिए जाने का समय हो गया और तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और ये नीति और अनमोल कहां है? ताऊ जी भी आ गए, अब पूछेंगे कि अनमोल कहां है तो मैं क्या बोलूंगी? ये अनमोल की बच्ची भी ना। निधि तू यहां क्या करती है? घबराई भी क्यों लग रही है तू? वो पापा। और वो अनमोल का है? पापा वो हम चक्कर मारने गए थे, मैं तो आ गई, मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन पापा पता ही नहीं था कैसे कुछ होने वाला, हम जाते ही नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रही कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ठीक ठीक बताओ अनमोल कहां पर? दीदी मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वो ताऊ जी अनमोल, अनमोल ठीक है, वो हम ना गाड़ी लेकर गए थे और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? अरे निखिल क्या हुआ यार, तू बाइक क्यों लौटाने आ गया? तू तो मुरादाबाद से शाम को आने वाला था ना। बस यार वो ऑफिस की ट्रिप कैंसिल हो गई। एनीवे थैंक्स यार। क्या थैंक्स निखिल यार, इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स। और हाँ तेरे वो सीए के ग्रुप 1 का एग्जाम कब है? बस आई क्या, अगले हफ्ते से शुरू है। ऑल द बेस्ट यार। चल यार चलता हूँ। ओके भैया। आरटीओ से तो उसका यही एड्रेस मिला है। हाय निखिल। बाइक तो वही है, ये लड़का कौन है? इसी से पूछती हूँ। चाचू सॉरी 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 चाचू, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी की बच्ची, हम सब यहाँ परेशान। अनमोल तुम किसे पूछी गाड़ी लेके थी? हाँ कुछ हो जाता फिर? तुम ठीक हो ना? सॉरी पापा। तुम्हें गैरेज जाने की जरूरत है, सीधे खड़ा हो, हमें पूजा के लिए निकलना है। जी 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 पापा, बस अभी आई। अरे ये बाइक वाला कहाँ गया? अरे यार प्रभु की कृपा में हो सब काजू, जन्म हमारा सफल भयो आजू। अखिल अरे पूरी गीता रामायण खत्म हो जाएगी, बाद में प्रकट होगे क्या? रुपया आपका मुखारविंद यहाँ करें। क्या भरपूर पिटाई की है उन भवालियों ने तुम्हारी, अब ठीक हो जा बेटा कि और हिंसा करने का मन है क्या? हाँ बस अब ऐसे ही रहना,
और एक और विनती है तुमसे, अगले एक साल तक बीमार मत पड़ना, बहुत खर्चा करवाया है तुमने। अरे कहा रहेगा अखिल, पुकारो तुम्हारे भाई को। भैया आ गया, आ गया बाबूजी, आ गया बाबूजी। मेरी कोई गलती नहीं है, वो बुआ ने फिर से मेरा कुर्ता तय करके इतने अच्छे से संभाल कर रखा था कि मुझे मिल ही नहीं रहा था। और हाँ बाबूजी, हमारे नए पड़ोसी आ गए, आज उनके यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, उन्होंने टंकी हटवाने को कहा था, उनकी पार्किंग की जगह है वो। संसार का नियम है बेटा कि आप बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सुनो उतना ही जितनी सुनने की आवश्यकता हो। वो टंकिया वही रहेगी, पंडित हूँ मैं, कोई मेरा मान नहीं तोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद उन्हें मेरी टंकियों के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। पर बाबूजी वो लोग तो कह रहे हैं कि। सुन मेरी बात, सुन वो सब बात छोड़, तेरा कुर्ता धोती तैयार रख, हमें वहीं पे जाना होगा गृह प्रवेश की पूजा के लिए। पर बाबूजी उन लोगों ने हमें पूजा के लिए बुलाया कहा है? अरे मूड है वो लोग, प्यासा हमेशा कुएं के पास ही तो आएगा। और सारी बरेली में मुझसे बढ़कर है कोई पंडित मेरी जोड़ का? अशोक, अशोक। अब और नहीं होते मुझसे ये घर गृहस्थी के काम, अकेली क्या क्या संभालती फिरू अब। अरे पकड़ना अशोक, धन से अब तू निखिल का ब्याह करवा दे। दीदी जब भी काम का बोझ जरा बढ़ जाता है आपको निखिल की बहू याद आ जाती है। अरे उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दो, बाद में करवाएंगे धामधूम से उसकी शादी। अरे निखिल वो तो मुरादाबाद जाने वाला था, नहीं गया? वो बाऊजी कुछ और काम आ गया था। अरे लल्ला ये क्या हाल बना है? वो बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो। श्री कृष्ण तुझे चोट तो नहीं लगी? हाथ पांव तो नहीं टूटे तेरे? अरे दीदी इतनी छोटी छोटी बातों में कहां बड़े खर्चे की बात करती हो। सबसे अहम बात ये है कि आज तू ऑफिस नहीं गया, मतलब एक दिन की तनख्वाह का भारी नुकसान हुआ। बाबूजी तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो पैसे तो यहाँ नहीं आने वाले। बेटा द्रव्य कमाना बहुत ही कठिन है, पाव के तलवे घिस जाते हैं। क्या अशोक, अरे लल्ला धन से फटफटी से गिर गया और तुम्हें पैसों की पड़ी है? सबसे पहली बात ये है दीदी कि ये उधार की फटफटी चलाता ही क्यों है? बस से गया होता तो लक्ष्मी के गमन का गम तो न सहना पड़ता। इतने छोटे से शहर में भी किसी को ढूंढना कितना मुश्किल होता है ना, आज पता चला मुझे। क्यों नहीं मिला? ले तेरे चक्कर मैंने इतनी डांट खाई और तुझे थैंक यू बोलकर नहीं आ पाई। खैर छोड़ कल बोल दूंगी। एड्रेस मिल गया है उसका। हो क्यों भाई, क्या खुसुर खुसुर हो रहा है तुम दोनों में? लड़कियां लिपस्टिक लगाती क्यों है? जरूरत ही क्या अच्छे खासे चेहरे पे लिपस्टिक पोतने की? हाँ हाँ जजवान, मैं प्रातः 6:30 बजे आ जाऊंगा जी। पिताजी ले लिया। अरे क्या आवाज हो रही है, क्या हो रहा है बार बार? एक मिनट रुको रुको, क्यों किसने तुड़वाई मेरी टंकी? ये क्या अनर्थ हो रहा है? दुराचार दुर्व्यवहार और अत्याचार की भी कोई हद होती है? किसने तुड़वाई मेरी टंकियां? किसने? हमने तुड़वाई है। आपको 10 दिन से बोल रहे हैं ये जगह हमारी पार्किंग की है, अपना कब्जा हटाइए। आपने नहीं सुना इसलिए हमने आपकी टंकी तोड़वा दी। पंडित जी जी आप जाइए, पूजा की तैयारी शुरू कीजिए जी।
चिरकुट पंडित को लेकर आए यहाँ पूजा करवाने के लिए, मेरे यहाँ बगल में होने के बावजूद? अरे न तो इसे मंत्रोच्चारण की कोई खबर है, अरे वेद और पुराण तो इसके लिए सौतेली वहां समान है। ये हमारा लुकआउट है कि हम किस पंडित को बुलाते हैं, और आपकी जुबान से पता चल रहा है कि आप कितने ज्ञानी हैं। और जहां तक सवाल आपकी टंकी का है, हमने आपको भरपूर समय दिया था ये हटाने के लिए। ये जगह हमारी पार्किंग की है। पापी हैं आप, राक्षस समान हैं। एक तो मेरी टंकी पे हथौड़ा चलवाया। बाबूजी ने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया, रोज की आदत होती जा रही है इनकी। मेरे ज्ञान पे उंगली उठाई। देखिए इस तरह से बात मत कीजिए हमारे पापा से। ए, उंगली किसके दिखाता है? मेरे बाबूजी को उंगली दिखाता है? अरे तूने हमारी टंकी तोड़ी है, बाबूजी का आदेश मिले तो तेरा सर ना तोड़ दूं, तो ब्राह्मण का बेटा नहीं। नहीं अखिल, हिंसा की बात मत करो। अरे इन सबको तो मैं एक मंत्र मारकर फूंक दूंगा। तुम्हारे माथे पे वो तेज नहीं है पंडित कि तुम्हारे पंथ से किसी का भी कुछ बिगड़ सके। भाई ये तो बहुत मामूली पंडित नजर आते हो तुम मुझे। तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, जो मंत्र पढ़ना है पढ़ लो भाई। मर्यादा की दहलीज ताक रहे हैं आप। अपना पारा नीचे रखो पंडित, पहले अपनी औकात ठीक करके आओ, फिर किसी का कुछ बिगाड़ने की सोचना। औकात की बात मत करना, घमंड तो राजा रावण का भी टूट गया था। बाबूजी, बाबूजी रहने दीजिए ना। तो चुप बैठ निखिल। तो वही लड़का निकला। हाँ यार, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम बगल में मिले। बाबूजी, बाबूजी आप शांत हो जाइए। अरे मैं शांत हो भी गया तो भी क्या होगा निखिल बेटे? एक अपमानित ब्राह्मण की आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। श्राप लगेगा तुम्हें, संताप सताएगा तुम सबको। अरे बंद करो रे बकवास पंडित, तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम एक छोटे और कमजोर इंसान हो, और श्राप तो मुझे मिल ही चुका है, तुम जैसा पड़ोसी जो मिला है। बाबूजी प्लीज, अखिल बाबूजी को लेके अंदर। नहीं नहीं अखिल रुको। जजमान पूजा का समय हो गया है, आप लोग तैयार हो जाइए चलिए। अथर्वी, भाई की थाली से छीन कर खाने वाले मेरे इलाके में आके मेरा ही रास्ता बंद करवाता है। याद रख, मेरे आत्मा की आ तेरा पीछा नरक तक करेगी। देखो पंडित। अरे भाई साहब छोड़िए ना, छोड़िए, आप अंदर चलिए, इसे करने दीजिए अपनी बकबक। चलिए चलिए अंदर। याद रखना ये पूजा सफल नहीं होगी, याद रखना। अरे प्रेत आएंगे, प्रेत बन रहेंगे, ब्रह्म राक्षस आएंगे भोजन करने। बाऊजी मैं ब्राह्मण का अपमान किया, चलिए बाऊजी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये रहने दीजिए, ईश्वर देखेगा। बाऊजी नहीं, मुझे छोड़ो, बात करने दो, मुझे बोलने दो। बाऊजी चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.